अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ सादा सी आलू और चिकन, और इसकी रेसिपी साथ साथ आपके साथ भी शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 kg चिकन, 1 बड़े साइज का प्याज, उसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, 2 टेबल स्पून गार्लिक और जिंजर पेस्ट, थोड़े से आलू, 1/2 कप जितना ऑयल लिया है। इसको पहले अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी। अब इसमें प्याज डालूँगी, इनको 5 मिनट तक इसे फ्राई करूँगी। जब इनका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इसमें मिक्स कर लूँगी। प्याज फ्राई हो गई है, अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, 2-3 मिनट तक इसको भी फ्राई करूँगी। टमाटर भी साथ ही डाल दूँगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, और 1 पैकेट चिकन करी मसाला का डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पाँच मिनट तक इसको भूनूंगी और फिर चिकन भी इसमें भून लूँगी। मसाला को भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और मेरा मसाला अच्छी तरह से भून गया हुआ है। अब इसमें चिकन डालूंगी और उसको भी 10 मिनट तक भून लूंगी। बड़े बड़े पीस डालूंगी। इनको 2-3 मिनट एक्स्ट्रा भूनेंगे, उसके बाद सारे चिकन जो बाकी रह गया वो भी डाल देंगे। इनको पहले 2-3 मिनट भून लूँगी, इस तरह ये अंदर तक पक जाएंगे और जो छोटे वाले पीस हैं वो मिक्स भी नहीं ज़्यादा होंगे, इनके टूटेंगे नहीं जब इनको बेटे फ्राई करूँगी। जब इन्हें 5 मिनट तक भूनोगे अच्छी तरह से, इसको भूनते हुए 5 मिनट हो गए। अब जो बाकी चिकन है जिसे उसको भी मैं भून लूँगी। इससे होगा ये कि हमें सारी चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाएगी, वरना छोटे पीस पहले से गल जाते हैं और बड़े पीस कच्चे रह जाते हैं। उनको अगर पकाने की कोशिश करते हो तो जो छोटे वाले पीस हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, अगर नहीं करते तो बड़े पीस हैं वो अंदर से थोड़े कच्चे रह जाते हैं। इस तरह करने से सारे एक जैसे ही कुक होंगे। अब तकरीबन इसको स्लो आंच पे 10 मिनट तक भूनूंगी। चिकन को भूनते हुए 10 मिनट हो गए और मैंने चूल्हा बिल्कुल स्लो रखा हुआ है। दो तीन मिनट तक और भूनूंगी, उसके बाद आलू भी डाल दूंगी। मसाला भूनते हुए इसमें जो साबुत मसाले थे वो मैंने जब चिकन डाली है उसको भूनते हुए मैंने ये निकाल दिए साथ साथ, ताकि बच्चों के मुंह में ना आए। अगर ये मुंह में आते हैं तो बच्चे साथ ही खाना छोड़ देते हैं। आपके साथ भी अगर इस तरह का मसला हो तो आप भी भूनते हुए साथ साथ साबुत मसाले निकाल दें, क्योंकि इनका टेस्ट तो मसाले के अंदर चला गया हुआ है। अब इसमें सभी मिर्चें और आलू भी डाल दूंगी। अब इनको भी 2-3 मिनट के लिए भून लूंगी। अब 1 कप जितना पानी डालूंगी,
मिक्स करूँगी और इसको कवर करके 5 से 7 मिनट तक पकने दूँगी मीडियम आंच पे। दस मिनट तक इसको स्लो आंच पे कवर करके कुक किया है। अभी तक मैं इस चिकन अच्छी तरह से अंदर तक गल गई हुई है, पक गई हुई है। अब इसमें सब्ज़ धनिया डालूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी और 2 मिनट के लिए इसको बिल्कुल स्लो आंच पे दम पे रखूँगी और उसके बाद चूल्हा बंद कर दूँगी। हमारा आलू चिकन मसाला हो गया है रेडी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना और मुझे रखना अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।